राजनीति सब हटा दो, लेकिन करो तो सही। ये कहा जा रहा है कि जैसे जो टीएटीए है वो सब खत्म करो। हमारी पार्टी तो चाहती है कि जो नेताओं को पेंशन दी जाती है वो पेंशन बंद करो, इनको विधायक निधि क्यों दी जाती है? एक विद्यालयों में दे करके विधायक निधि अपना दाव लगा देती है, बंद करो विधायक निधि, सांसद निधि बंद होनी चाहिए। इन छोटे खर्चों में कटौती की जा रही, लेकिन लगातार हेलीकॉप्टर से जाया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्यों उड़ेगा? हेलीकॉप्टर क्यों उड़ेगा? वो भी तो खर्चा है, बिजली का खर्चा आता है उसका 3-4 लाख, उसको बंद करिए। हेलीकॉप्टर चलाई बाई रोड चलिए, सब लोग चला जाए। आप सिंगम हो, आप नाम सही रखिए। पिछड़ी जाति को विभाजन, जो राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन की बात हम लोग करके लोगों के बीच आए हैं, उसको ठीक किया जाए। आज हम बैठक करिए, आपने क्या मकसद इसका बैठक करने का? 27 अक्टूबर 2018 को रमाबाई पार्क लखनऊ में भारतीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस है, उसी की तैयारी को लेकर के आज जिला अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को और प्रदेश के नेताओं को और देश के अपनी पार्टी के नेताओं को बुला करके उसी की तैयारी में जायजा लेंगे। पार्टी के संगठन कहाँ तक बढ़े हैं, कहाँ तक अधूरा, उसको कैसे आगे और पूरा किया जाए, उसी संबंध में चर्चा के लिए आज बैठक। आप लगातार चर्चा में बने रहते हैं, जैसे कि बात की जाती है गरीबों मजलूमों की, आप बात करते हैं, लगातार संघर्ष भी करते रहते हैं, लेकिन सरकार आपकी बात को क्यों नहीं सुन रही? सुनेगी, जल्दी सुनेगी, 27 तक सुन लेगी। आपके हिसाब से सरकार कैसे चल रही है? सरकार अपने जैसे इंजन पुराना है, ड्राइवर नया है, वो ढकचपा इंजन करता रहता है और ड्राइवर लेके चलता रहता है। आपका गठबंधन है सरकार से? है सरकार से गठबंधन। तो क्या कारण लगता है आपको, क्या क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? हमारी सुनवाई अब क्या बताएं, हम बताएंगे 27 तारीख को आइएगा तो बताएंगे। थोड़ा शांति बनाइएगा। प्रेस रिलीज है, जिला अध्यक्ष जी, बपन जी, प्रेस रिलीज आपको दीजिए। हाँ, अरुण कुमार विश्वकर्मा जी खड़ा हो जाइए। डॉक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा जी, मैं कुमार विश्वकर्मा राय, आज इनको प्रदेश का युवा मंच का महामंत्री घोषित किया जाएगा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज अपनी बैठक की दारुलसभा कॉमन हॉल में। बैठक उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला, लगातार वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ पर देखने को मिली, माहौल काफ़ी यहाँ पर जो है उत्साहित नजर आ रहा है। जैसे कि ये सरकार में गठबंधन के साथ सरकार चला रहे, लेकिन जैसे कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, रस्मा न्यूज़, लखनऊ।